को समझने के लिए। हमारे साथ डीके दुबे जी जुड़े हुए हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ रामकृपाल सिंह जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दुबे साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, कितना बड़ा ये सरकार का कदम, सरकार का कहना है, किस तरह से जो दशकों से उत्पीड़ित रहे, वंचित रहे, उन्हें समान अधिकार सुनिश्चित करता है, और इसकी जो जरूरत थी वो भी आपसे समझना चाहेंगे। रमा जी, एक चीज पहले से समझनी चाहिए कि पार्टीशन के समय हमारे पास दो कानून थे, एक फॉरनर्स एक्ट था, एक हमारे पास पासपोर्ट एक्ट था। तो जब पार्टीशन हुआ, हिंदुओं को यहाँ पर आना था, तो हमने पार्टीशन के समय से ही और बाद में भी फॉरनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में संशोधन किया था, और उसमें ये कहा था कि जो हिंदुस्तान, मतलब जो हिंदू या नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के क्षेत्र में रह गए, क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं था, उसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग रह गए हैं, कभी वो भारत में आते हैं तो वो फॉरनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, हम उनको ऑटोमेटिक नागरिकता नहीं दे रहे। एक पार्टिकुलर डेट फिक्स की गई थी और उस डेट पर यह कहा गया था कि जो लोग भारत में उस डेट से पहले आ जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिलेगी, लेकिन उस डेट के बाद अगर आएंगे तो उनको एक कमीशन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और कमीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये लोग परमानेंटली यहां पर रहने के लिए आए हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 के नागरिक हैं। लेकिन अगर कुछ लोग उस कमीशन के सामने प्रेजेंट नहीं हुए और भारत में लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आ गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन पर हम जेल तो भेज नहीं सकते, क्योंकि ना तो फॉरनर्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और ना ही पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसमें तो एक्सेप्शन दिया हुआ था। इस परिस्थिति में ये लोग जो भारत में आ गए, जिनको 47 में आ जाना चाहिए था, दुर्भाग्यवश नहीं आ पाए, उन लोगों को भारत में आने के बाद भी खानाबदोश की जिंदगी जीना क्यों, जब हमने ऑलरेडी कानूनों में ये संशोधन करके रखे थे या ढील देकर रखी थी। तो ये जो भारत सरकार ने किया है उसमें सीधी सी बात कर दी कि वो कमीशन के सामने प्रेजेंट होना, वो एक प्रोसीजर लंबा जो उसमें हुआ करता था, वो प्रोसीजर की बजाय अब सीधा संशोधन लाकर ये कहा गया कि भाई जो इतने इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं उनको हम पूरे अधिकार देते हैं। वो यहाँ पर रह रहे थे, काम कर रहे थे, परिवार भी सब कुछ था, लेकिन अधिकार नहीं था, खानाबदोश की जिंदगी थी। ऐसी परिस्थिति में जो पिछले 70 वर्ष से अभी तक लोग रह रहे हैं, वो चाहे 10 वर्ष पहले आए हों, 50 साल पहले आए हों, 60 साल पहले आए हों, उनको अधिकार देकर मुझे लगता है कि भारत सरकार ने एक इंसाफ का काम किया है, जो कि उन परिवारों को नहीं मिला अधिकार जो उनको मिलना चाहिए। और सीधी सी बात है कि वो जो रह ही रहे हैं और उल्लंघन कानून का नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को भारत में क्यों ना पूरे अधिकार मिले और नागरिकता मिले। तो एक साथ संशोधन करके सरकार ने इनको नागरिकता प्रदान करने का काम किया है, और मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उल्लंघन अगर नहीं हो रहा है, आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, आप वापस भी नहीं भेज सकते, तो फिर क्यों ना पूरे अधिकार दे दिए जाए, और यहाँ पर पूरे अधिकार देने का काम सरकार ने किया है। जी, साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि जिन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए यहाँ पर रहने का, उन्हें ये अधिकार दिया जा रहा है, और एक वैलिड तरीके से दिया जा रहा है, एक प्रोसेस से दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी राजनीति हुई, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छे ढंग से दुबे जी ने बताया चीजों को, और जो तथ्य उन्होंने रखे हैं वो तथ्य ही ये सवाल खड़े करते हैं कि पहले की सरकारों ने जब उनको ये इतनी छूट दी कि उन पर फॉरेन एक्ट लागू नहीं होगा, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन लागू नहीं होगा, यानी कुल मिला के आशय यही था कि जो वहां से हिंदू, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सीएए की बात करते हैं तो ये 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की भावना के अनुरूप ही है, हालांकि 1955 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इसमें एक प्रोसेस को सरल बनाया गया है, जिससे ऑनलाइन पोर्टल है, फिर इसमें जो पेंडिंग है वो ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं अगर कुछ मामले इस तरह से रह जाते हैं, तो किस तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया ये पूरी सुनिश्चित की गई है इसमें? पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जो पहले आपने बात की कि पार्टीशन के समय पर एक मुश्त ये तय हो गया कि भाई मुस्लिम एक नया स्टेट बनेगा और मुस्लिम वहां चले जाएंगे और हिंदू जो उस क्षेत्र में है वो यहाँ चले आएंगे।
1948 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि भाई सारे मुसलमान नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, इसलिए 1-2% जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते थे हम उनको यहाँ संरक्षण देंगे। ये 1948 में रेजोल्यूशन पास किया। बाद में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेहरू लिया का समझौता हुआ और उस समझौते के तहत रुक गए, लेकिन संविधान में प्रावधान था कौन सी, वो सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास नहीं था कि भाई उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। बस इतनी सी बात है कि संविधान में हमने लिख कर रखा था कि भाई ये से लेकर ये आर्टिकल, आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 तक हैं और इन आर्टिकल्स में ये कंडीशंस होगी भारत के सिटीजन होने की या भारत की सिटीजनशिप जाने की। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 में है। जब हमने 1955 में सिटीजनशिप का प्रोसीजर बनाया, इसको कहा जाता है कि भाई हमने जब स्टेट्यूट पास कर लिया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पास कर लिया, तो इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या होगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और समय समय पर उनमें संशोधन भी किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम उन किसी को भी सिटीजनशिप देंगे तो कौन सी अथॉरिटी होगी, किस अथॉरिटी के पास जाएंगे, लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, उनके डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव मशीनरी को करनी होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि आज डिजिटल जमाना है तो उसमें फैसिलिटेट करने के लिए वेबसाइट बना देते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटी के पास वो जाएगा, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद जो उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उसको प्रोसेस आगे बढ़ा देगा। इसलिए आज की तारीख में पारदर्शिता की जब हम बात करते हैं तो सबसे आसान तरीका ये ही है कि हम उसको वेबसाइट बनाकर ओपन इनविटेशन ले लें, ओपन एप्लीकेशंस ले लें और फिर उसकी फॉर्मेलिटी कार्यालय में पूरी हो। ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए आपके पास जो मशीनरी है वो कंसर्न मशीनरी को उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो फिर उसको अपने हिसाब से जो जो फॉर्मेलिटी होती पूरा करने के बाद नागरिकता प्रदान करते हैं। के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दुबे साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब इसके आने के बाद किस तरह का एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं और जिस तरह से बात की जा रही थी जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसका भी हवाला दिया गया था, तो उसको एक किस तरह से करारा जवाब है? देखिए, आर्टिकल 14 जब कहता है तो वो इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करता है और सीधी सी बात है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में किसी का शासन नहीं है, भारत में कानून का शासन है। अब कानून का काम है न्याय देना। जब आपने पहले से एग्जेम्प्ट कर रखा है उनको और वो यहाँ रह सकते हैं, हम उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते, उनको जेल नहीं भेज सकते, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते, तो भाई फिर यहाँ जो रह रहा है वो इक्वल क्यों नहीं है अमंग्स अस, जैसे हम सभी रह रहे हैं तो वो इक्वल क्यों नहीं है? ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इसीलिए अमित शाह जी ने जो आज कहा है कि ये नागरिकता मत समझिए इसको, क्योंकि उनको तो रहने का राइट था ही, ये हमने उनको न्याय देने का काम किया है कि उनके साथ न्याय हो जो 70 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्टिकल 35 कैपिटल ए के होते हुए जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे थे 70 वर्षों से रह रहे थे, उनको अधिकार 2019 तक नहीं दिया गया। उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर हम कहना चाहें तो जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी हमारे ही देशों से आई, जो हम थे और वो यहां पर आए, उनको हमने आने का रास्ता दिया, उनको रहने की जगह दी, सब कुछ किया, लेकिन हम न्याय नहीं कर पाए, तो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। अब कोई ये कहता है कि जिसको आने का अधिकार नहीं है उसको हम इक्वेलिटी में लाएं, तो इक्वेलिटी अमंग्स इक्वल्स होती है, इक्वेलिटी अमंग्स इनइक्वल्स अनइक्वल्स नहीं होती। दो अनइक्वल लोगों में इक्वेलिटी नहीं देखी जाती, जब भी इक्वेलिटी देखी जाती है तो दो इक्वल लोगों में देखी जाती है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिनको 47 में भारत में आने का अधिकार था उनको ही इक्वेलिटी दी जा सकती है, जिनको 47 के बाद आने का अधिकार नहीं था उनको इक्वल कैसे मान लेंगे आप? बिल्कुल, नागरिकता के साथ साथ जो न्याय है वो सुनिश्चित किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और साबित भी होगा। दुबे जी आपका और रामकृपाल जी आपका बहुत शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करने के लिए।